अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली नगर प्रभारी संजीव कुमार को मुखबिर की सूचना पर मावन चुंगी के पास से वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी के अन्य 4 मोटरसाइकिलों व 1 टेम्पो का मावन रोड पर स्थित कब्रिस्तान की झाड़ियों से बरामद किया गया तथा अभियुक्तों द्वारा नगर क्षेत्र से 3 अन्य मोटरसाइकिल को भी चोरी करने की स्वीकारोक्ति की गई है, जिन्हें अभियुक्तों ने पुलिस के डर से अलग अलग स्थानों पर खड़ा कर दिया था, जिनको कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पुलिस में लावारिस में दाखिल किया गया है। अभियुक्तों का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वे अपने फरार साथी के साथ मिलकर वाहन चोरी कर छुपा कर रखते हैं तथा बाद में समय मिलने पर उनके अलग अलग पार्ट्स खोलकर सस्ते दामों में बेचते हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कोतवाली नगर में आज 1 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे 9 मोटरसाइकिलें और 1 ऑटो बरामद हुआ है। इसमें से जो मोटरसाइकिलें हैं, 4 मोटरसाइकिल कोतवाली नगर की, उसमें मुकदमा लिखा गया है, 1 मुकदमा कोतवाली देहात में लिखा गया है, जो ऑटो है उसका मुकदमा सिकंदराबाद में लिखा गया है। बाकी जो 4 मोटरसाइकिलें हैं उनके बारे में भी पता किया जा रहा है कहाँ कैसे हैं, और तस्दीक करके उनका उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार से एक अच्छी बरामदगी कोतवाली नगर और एक टीम द्वारा किया गया है, और चोरी पर उम्मीद है कि वाहन चोरी पर अंकुश लगेगा। सर पहला भी अपराधी इतिहास है? हाँ, इनके बहुत सारी थी आपराधिक इतिहास है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा। इसका मेन जो लीडर है वो अरविंद है। हमारे पास जो आपराधिक इतिहास है इसमें इसका नाम भी लिखा है, लेकिन जैसा आप लोगों ने भी सुना स्वीकार कर रहा है कि 8 बार मैं जेल जा चुका हूँ। तो इस 8 को जोड़ लिया जाएगा, करीब 20 मुकदमे के आसपास उसके बनते हैं। और जो इनके साथी 3 और हैं अरविंद के, सोनू, महफूज और मोनू, इनके भी आपराधिक इतिहास हैं, और इनका अन्य आपराधिक इतिहास भी अभी देखा जा रहा है कि अगर कोई और भी होगा तो उसको निकाला जाएगा। सर गिरोह का कोई सदस्य फरार भी बताया जा रहा है? हाँ, एक व्यक्ति फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। सर क्या क्या इनसे बरामदी हुई है, कुछ तमंचे वगैरह को? हाँ, इनसे तमंचे वगैरह बरामद हैं। मेन तो इनकी जो गाड़ी की रिपोर्टिंग गाड़ी की करती है, उसके अलावा एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस और 3 चाकू। सर बाइक जब चुराते थे फिर कितने रुपये के बेचते थे? ये सब कभी डिटेल्स इनसे पूछताछ की जा रही है।